टॉपिक के अंदर हम चेक करते हैं जिस तरह हम पैरल मूव करते आ रहे हैं ऐसा इस ऐसा कमांड सो पोलीगॉन कमांड इन आटो कैड इसको हम क्यों यूज़ करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और देन एग्जीक्यूट इसको हम कैसे करते हैं तो पोलीगॉन कमांड सबसे पहले तो ये क्लोज ऑब्जेक्ट जब भी हम पोलीगॉन की बात कर रहे होते तो इट ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्लोज ऑब्जेक्ट है और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी हम इसको कहते हैं तो पोलीगान को जब हम ड्रा करना जब जाएंगे वैसे तो इसकी बहुत सारी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी है लेकिन हम पर्पज़ ओरिएंटेड रहेंगे इसकी यूजेज में जब हम जाते हैं तो इंटीरियर फिक्सचर्स जब हम प्लेसमेंट्स करेंगे जब हम एक हाउस प्लान बना लेते हैं उसके विद इन जब हम इंटीरियर्स को बाज़ फ़िक्स कर रहे होते हैं वहाँ भी हम इस कमांड को यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम आवर देखेंगे कि और पर्पज़ कहीं स्कीम डिज़ाइनिंग के अंदर अगर कहीं इसका इस्तेमाल है सो दो टाइप्स की पोलीगान आपको आटो कैड जो है वो ऑप्शन देगा इंस्क्राइब्ड और सरकम्सक्राइब्ड सो इंस्क्राइबड जो पॉलीगॉन है वो फॉर द टाइम बिंग हम ये कॉन्सेप्ट रखेंगे कि सपोज इंस्क्राइब हमने एक पॉलीगॉन ड्रा की और हम एक सर्कल लगाना चाह रहे हैं और वो सर्कल जो इसको इनर साइड से टच कर रहा हो एक पॉलीगॉन ड्रा करके और उसके विद इन जो उसके वर्टिसज हैं जो कॉर उसके जहाँ पे दो लाइन्स आपस में आके मिल रही हैं जो पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं वहाँ से अगर टच कर रहा हो और फिर हम सर्कम्स्क्राइब देखेंगे कि अगर एक्सटीरियर हमारे जो वर्टिसज ऑफ पोलीगॉन है उसको अगर हमारा सर्कल जब टच कर रहा होगा तो वो हम कैसे इन दोनों को ड्रा करते हैं तो आइए अब बढ़ते हैं ऑटो कैड की तरफ और देखते हैं कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ऑटो कैड में तो ये हमारे पास प्रीवियसली जो हमने कमांड्स की कंटिन्यूटी में हम मूव करते आ रहे हैं तो इसको फिलहाल हम यहाँ से जो है वो डिलीट कर देते हैं ताकि हम अनवर्ड मूव करें और अब हम मूव करने जा रहे हैं और यूज़ करने जा रहे हैं पोलीगॉन कमांड अगेन इसके मैथड्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके भी एग्जैक्टली exactly तीन मैथड्स तो मिनिमम हम यूज़ कर लेते हैं अभी यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमने स्टार्ट करेंगे तो हम ड्रा अपना मेन्यू में से जाके तो ड्रा पे हमने जाके क्लिक की और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन मौजूद है पोलीगॉन का और यहाँ पे जब भी जैसे ही हम पोलीगॉन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे किसी भी मेथड से तो फ़ौर हमसे वो पहला जो क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ साइड्स हमेशा पोलीगॉन जो है वो हम बात करते हैं हेक्जागोनल की है सपोज़ तीन साइड्स हैं उसकी चार हैं वो पाँच साइड है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स बाई डिफ़ॉल्ट वो आपसे चार कह रहा है डिपेंड्स कि आप चार रखना चाह रहे हैं या चार को आप फर्दर तब्दील करना चाह रहे हैं तो सपोज हम चार से ही एंटर कर लेते हैं जब भी अगेन मैं नीचे मैं हम पहले भी बात कर रहे थे जब हम कैड की क्वालिडी ऑप्शन उसने दी हुई है उसको एक्सेप्ट करने की तरफ जा रहे होंगे तो हमने सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है बट अगर हमने कुछ चेंज करना है तो फिर हम स्क्रीन के ऊपर भी लिख सकते हैं या यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो लिखा जाएगा कमांड लाइन में भी तो फिलहाल हम एज इट इज़ चार साइड से ही वर्क करते हैं चार साइड वर्क करने के बाद जैसा कि नॉर्मली एक मैसेज हम देखते आ रहे हैं हर कमांड में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कि पहला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करनी है बेस लाइन क्या है आपकी तो एग्जैक्टली exactly हम अपना पहला पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई सेंटर तो एग्जैक्टली exactly ये हम अपना अब सेंटर स्पेसिफाई करने के बाद ये दो ऑप्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल तो हमने इनर सर्कल और आउटर सर्कल की जो बात अभी कर रहे थे तो अब हम सपोज अभी इंस्क्राइब की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे ही हमने ये ऑप्शन क्लिक की अब वो हमसे रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो डिमांड कर रहा है तो जितना रेडियस हम यहाँ स्पेसिफाई करना चाहें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सो तो सपोज हम यहाँ पे इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी रेडियस हम खुद देना चाह रहे हों या हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नज़र आ रहा है हम उसी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं जो जैसा कि वो खुद हम मूव करेंगे बाहर की तरफ तो ये बढ़ता जाएगा और हम विद इन जब मूव करते हैं तो ये रिड्यूस होता जाएगा किसी भी पॉइंट पे हम इसको क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी जो है वो एक पोलीगॉन जो इंस्क्राइब इन सर्कल है अब वो हमारी ड्रा हो चुकी है अब हमारे पास जो सेकेंड मैथड है वो अगेन हमारे पास जो हमारी शॉर्ट कीज मौजूद हैं हमारी लेफ्ट साइड पर ये नजर आ रही हैं इनको हमने इनिशियल लेक्चर में खुद प्लेस किया था तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं तो यहाँ से पिक करने के लिए हम अगर मूव करते हैं ये हमने लाइन लगाई पोली लाइन लगा ली और अब हम आ गए हैं पोलीगॉन तो पोलीगान क्रिएट्स एन एकुलेट्रियल क्लोज्ड पोली लाइन्स तो ये फर्दर उसने आपको बताया भी हुआ है तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन को पिक करते हैं सेम हमसे वो डिमांड कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स हमने बतानी है सो तो चार या पाँच कर दें आप यहाँ पे अभी हम चेंज करके देख लेते हैं तो जैसे हमने पाँच की तो हमने यहाँ सेंटर स्पेसिफाई करना है और हमने बताना है कि ये तो अब हम सरकम लगा लेते हैं यहाँ पे ताकि हम दूसरी पोलीगॉन ऑप्शन तो को भी देख लें अबाउट सर्कल वाली को तो ये हमारे पास एक एक और पोलीगॉन भी जो है वो ड्रा हो चुकी है तीसरा मेथड हमारे पास जो शॉर्ट की है तो वो हम पी ओ एल तो ये हमारे पास पोलीगॉन की शॉर्ट की भी है तो डिपेंड्स आपकी जब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ग्रिप एक्सपर्टीज़ डिवलप होती जाएंगी तो आप किस मेथड को ऑप्ट करते हैं अपनी नोटबुक्स में इसको आप नोट कीजिएगा सो पोलीगॉन अब जैसे ही हमने वो नंबर ऑफ साइड्स पहले बदल दिए हैं तो अब यहाँ पे वो चेंज होके फाइव आ गई हैं अब एक सौ सिक्स कर दें तो ये सिक्स की तरफ भी चला जाएगा एंटर करें हम और सेंटर स्पेसिफाई करने के बाद इन सर्कल में हम जहाँ पे भी तो ये इस तरह हमने डिफरेंट मेथड से और दोनों तरह की इन सर्कल और अबाउट सर्कल में इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब जो है वो लगा दी अब हम अगर सर्कल uh, इसके अंदर ड्रा करना चाहें क्योंकि पोलीगॉन तो हमने लगा ली है और हम इंस्क्राइब सर्कल पहले इन सर्कल और फिर अबाउट सर्कल की तरफ जाएं तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सर्कल की हमने आगे जाकर टॉपिक्स में देखना भी है फिलहाल फॉर द टाइम भी हम सी एंटर करेंगे शॉर्ट की हम लगा लेते हैं या हम ड्रा में से जाके सर्कल की कमांड को पिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास सर्कल की यहाँ भी कमांड है या हम सी एंटर करके सर्कल अब वो हमसे स्पेसिफाई कर रहा है कि हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई uh, करना है इस किसी भी आर का जिसके अंदर हम ये इंस्क्राइब्ड या सर्कम में लगाना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी सर सेंटर पॉइंट आ रहा है ये क्यों आ रहा है क्योंकि हमने जब स्नैप की सेटिंग्स स्टार्ट वाले लेक्चर्स में देखी थी तो वहाँ हमने मिड पॉइंट एंड पॉइंट नोट किए था कि हमारे पास हम उनको ऑन करें कहाँ से हम वापस इसको स्केप प्रेस करके अगर यहाँ पे नीचे जाएं ये यहाँ पे भी कर्सर मूव कर रहा है हमारा एक डिटेल टॉपिक इस पॉइंट पे पहले लेक्चर पे हो चुका है तो यहाँ पे हमारे पास हम ऑप्शंस हैं और हम प्रेफर करते हैं कि हम सारे ऑप्शंस को ही यहीं से चेक ऑन कर लें ताकि अनवर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेस पे इनमें से कोई ऑप्शन हमें यूज़ करना पड़ सकता है हम ओके okay करते हैं और हम सर्कल की यहाँ पे सी एंटर कमांड लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये अगर हम नोट करें तो सेंटर पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है हमें और हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया अब अगर हमने इन सर्कल की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमने इस सर्कल को बढ़ाते जाएंगे और किसी भी मिड पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ये जैसा कि मिड पॉइंट शो हो रहा है इसका इस तरफ जाएँ तो ये मिड पॉइंट है तो जैसे ही हम मिड पॉइंट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास इन, इन सर्कल पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है ये हमारे पास फर्स्ट थी अब हम सेकंड की तरफ वाज वॉज तो उसके लिए हम क्या करते हैं सेम सर्कल ही हम लगाएंगे सी एंटर और हम इस जो हमारे पास सरकम्सक्राइबड हमने लगाई हम इस पॉलीगॉन में चले जाते हैं और यहां पर जाकर हम क्लिक करते हैं सेंटर में अब जैसा कि उसमें हमने मिड पॉइंट पे क्लिक किया था इसमें हम किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे एज के ऊपर वर्टिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जैसा कि यहाँ पे कर लें क्लिक या आप यहाँ पे करते हैं या आप यहाँ पे करते हैं किसी भी एक हम कॉर्नर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अब एक ऐसी पोलीगॉन ड्रा हुई है इसके ये सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल है तो इसके एक्सटीरियर जो आउटर है उसके ऊपर है वो हमारा

ये वर्टिक्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक एक, एक ऐसी पोलीगॉन ड्रा हो रही है जो सरकम्सक्राइब्ड आउट सर्कल तो हमने पोलीगॉन कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है और हमने देखा है कि किस तरह डिफरेंट मैथड से हम इसको लगा सकते हैं और फिर उसके अंदर विद इन जो हमारे पास और सरकम्सक्राइब ऑप्शन हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह हम इन इस पोलीगॉन को आटो कैड के अंदर ड्रा कर सकते हैं